क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देख रहे हैं वेयर एक्स, ये देखो इसको क्या डिनोट कर रहा है, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन इसमें से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस पाई स्क्वायर एक्स, इस तरह से है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं पाई स्क्वायर के वैल्यू की बात करूं तो आप 22/7 × 22/7 करके पॉइंट में करेंगे तो ये आपका 9.88 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, समझे ना बात को, इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक, माइनस का 9.88, ठीक है एक्स। अब देखो इसके ठीक पहले वाला इंटीजर 9 हो जाएगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 9x, और उसके ठीक पहले वाला इंटीजर आपका माइनस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा साइन माइनस का 10x। तो अब हम इसे एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 9x माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन 10x, यही ना हो जाएगा आपका। अच्छा अब देखो इसके बाद एक एक करके रख के चेक कर लेते हैं, एफ पाई बाई टू को लेके चेक करते हैं, यानी हो जाएगा साइन 9π/2 माइनस का साइन 10π/2, देखते हैं सिंप्लीफाई करके 1 आता है कि नहीं, ठीक है। आपको मैंने इस सब वैल्यूज के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका समझाया था, देखो ये 1π/2 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9π/2 यहाँ आ जाएगा, और ये इस पर मैंने आपको याद है क्वाड्रेंट में बता रखा था 0 और 1, यहाँ आपको 1 0, यहाँ आपको माइनस वन जीरो, और इस पर हो जाएगा आपका 0 माइनस 1। इसके वैल्यूज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो फिलहाल अभी जान लो। तो ये 9π/2 यहाँ पे आ गया, तो देखो एक्चुअल में ये होता है, पहला होता है कॉस, दूसरा होता है साइन, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन 9π/2 का वैल्यू 1 माइनस, और साइन 10π/2 का, तो ये 9 हुआ ये 10 हुआ, तो दूसरा वाला आपका कॉस साइन है, पहला कॉस है, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा 1। तो क्या एफ पाई बाई टू इक्वल टू 1 दिया है ऊपर ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल दिया है, यानी कि ए नंबर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी को आप चेक कर सकते हैं नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर